20 मार्च आज के ही दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को धन बल बहुबल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने गिराई थी। यह कहना था कांग्रेसियों का, जिन्होंने रीवा के कलेक्ट्रेट में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण किया, शहर में निकाली रैली, मनाया स्वाभिमान दिवस। 20 मार्च वही दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराया था, जिसके चलते आज कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी चुनी हुई सरकार को धन बल के जोर पर गिरा दिया था, भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया था एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए, खरीद फरोख्त की थी। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देगी मध्य प्रदेश की जनता। निर्वाचित सरकार गिराई थी, जिसके चलते कांग्रेसियों ने आज स्वाभिमान दिवस मनाया। जनादेश का अपमान भाजपा को झेलना पड़ेगा। आगामी होने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर कांग्रेस को चुनेगी, भाजपा को करारा जवाब देगी। यह कहना था कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज 20 मार्च है। 20 मार्च वही दिन है जिस दिन मध्य प्रदेश की निर्वाचित और जनता से जनादेश प्राप्त सरकार को धन बल के जोर पर गिराया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक धन का प्रयोग करके, खरीद फरोख्त करके उन्होंने जनादेश का अपमान किया था। आज हमारी ये जो ये यात्रा है, ये स्वाभिमान की यात्रा है। ये स्वाभिमान कांग्रेस पार्टी का या कमलनाथ जी का नहीं है, ये स्वाभिमान इस देश के लोकतंत्र के जो मजबूत सिपाही हैं, लोकतंत्र के जो जनता है हमारे देश की, ये उसके स्वाभिमान का सवाल है। जब हमारी संवैधानिक सरकार, जो संवैधानिक तरीके से निर्वाचित हुई थी, उसको जोर जबरदस्ती कर जिस तरीके से गिराया गया है, आज उसके लिए हम लोगों ने इसको स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया है। और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप ताकत और धन के बल पे देश के संविधान को नहीं नष्ट कर सकते, तुम लोकतंत्र का अपमान नहीं कर सकते, तुम भारत की जनता के जनादेश का अपमान नहीं कर सकते। और अगर यही जनादेश का अपमान अगले वर्ष 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा, जब जनता भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी।